पंजाब नूं बदलण दी सोच है, पंजाब विच कुछ विकास करन दी सोच है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, दिल्ली वांगू थोड़ी है कि 70% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। बादलां दे कैप्टन दे घरे जा रहा पैसा, सरकार दी जेबां लेके आवांगे। हल्के च कम करदा ना, उहनूं हल्के तों बाहर दी ज्यादा सुरत रहिंदी नहीं। ये सोचण दी लोड़ नहीं भी ये चलिया जाऊ, इत्थे ही रहना इहने। लड़ाई लोग आप खुद साडी लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वास जरूर है जिवें अगे जित्तां दवाईआं ने इस बार भी लोग सानूं जित्त दवाउणगे। इस मौके हलका अमरगढ़ च मौजूद हाँ, जिथे कांग्रेसी उम्मीदवार सुमित सिंह मान वालों पिंड पिंड जाके लोगों के नाल वोटरां दे नाल राबता लगातार कायम किया जाता है। गलबात कर लैंदे आ कि आखिरकार किहो जिहा उन्हां नूं सहयोग मिल रहा, लोगों च जा रहे हो सुमित जी, लोगों जा रहे हो किहो जिहा सहयोग मिल रहा, की कहना? लोगों का प्यार है, लोग ही अपने प्यार नाल कंपेन चला रहे हैं, लोग ही कंपेन नूं अगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे ने इंसाफ की लड़ाई है, ये हक सच की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, ये पंजाब नूं बचाने की लड़ाई है, ये अमरगढ़ नूं एक विकास के राह ते अमरगढ़ नूं अपने पैरों पर खड़ा करने की लड़ाई है, अहमदगढ़ नूं अपने पैरों पर खड़ा करने की लड़ाई है। देखो नीतियां बनाना, विकास के एजेंडे बनाना, तो मैनीफेस्टो बना के देना बड़ा आसान है, मैनू बनाना भी आता है तो उन्होंने पूरा लागू करना भी आता है, पर जिहड़ियां लोकां दियां मुश्किलां ने वो हर वार्ड च हर पिंड च अलग होंदियां, उन्हां नूं समझना, उन्हां च विचरना, उन्हां नूं नाल जोड़ के वो कम करना, वो सब तो जरूरी है। खास तौर पे अमृतसर हलके दे विच की जेकर तुहानूं फतवा दे के तोड़ देने विधानसभा, की मेन एजेंडा की होगा, की लोकां वास्ते अमृतसर वास्ते की प्रोजेक्ट वास्ते लेके आओगे, की करोगे? देखो बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां, मैं कोई ना झूठे लारे वाला बंदा नहीं हैगा, मैं कानून करन वाला बंदा, मेरी ईमानदारी है, मेरी सच्चाई है, लोगों को पता है, तो मैं कम करांगा, जो लोग ताकत बख्शेंगे उस ताकत तो जो मैं अमरगढ़ का अहमदगढ़ का भला कर सकता वो करांगा। हर तबके दे, हर धर्म दे, हर वर्ग दे लोगों दी अलग अलग मुश्किलां ने, आप हस्पताल की गल करिए, बाईपासां की गल करिए, पानी की निकासी की मुश्किलों की गल करिए, रोडा रोड बनाने की गल करिए, उस तो बिना आप होर अगे जाइए तो पंजाब की वड्डी मुश्किल, अज देश की वड्डी मुश्किल बेरोज़गारी की मुश्किल है, महंगाई की मुश्किल है, जो कि मोदी राज 45 सालों में सब तो ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो देश में अज इस टाइम तो सब तो ज़्यादा महंगाई है, 350 का सेंटर होंगे 2014 अज 1000 रुपये का है, तो गरीब तो मुश्किल है ही, जो लोग ताकत बख्शेंगे वो चाहते हल कटने की कोशिश करा, किमें करा, जो नीतियाँ मैं समझ आदि ने, जो मैं पता है कि मैं पंजाब वास्ते इन्ने साल काम किया समझ है, उन्होंने विधानसभा सरकार दे विच जो भी ये ताकत देंगे उन्होंने निभाने की कोशिश करा कि होर फसलों को किमें मजबूत करिए, होर फसलों से MSP किमें 500 या मार्फट दे सकते हैं, वो आवाज चकीए, सब्जियां लोग लाते हैं, कोल्ड स्टोर किमें आन, या रोज़गार की दिक्कत है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बाहर का लेबर लग्या, वो भी पिछले 5 साल थोड़ी सरकार रही है, की कारण रहा है उदों बाद कुछ पूरे नहीं कर पाए? देखो काफ़ी चीज़ा सरकार ने कीतिया, तुसी इत्थे भी देखो ये हल्के च भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, पर कमियां रही, बहुत कमियां रही, स्पैशली कैप्टन साहब बादलों ना मिले हुए थे, BJP उन्होंने चला रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने गल समझी, ये समझिया कि वर्कर की आम बंदे की उत्थे पुछगिछ नहीं है, लोगों ना किते वादे पूरे नहीं हो रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने हटाता, तो उस तो बाद 111 दिन की सरकार आई है, जो 111 दिन बन सकता है वो उस तो तिगना चौगना किया। तुसी बिजली के बिल देख लो, अज देश में सब तो सस्ती बिजली हो रही है, दिल्ली में तो रिलायंस टाटा बिजली बेचते हैं, पंजाब सरकार तो 15,000 करोड़ की सबसिडी देकर बिजली बेचती है, पंजाब सरकार दिल्ली में 1100 करोड़ की नहीं दी, 1100-1200 करोड़ की, पंजाब सरकार हर तबके को बिजली सबसिडी दे रही है, तुसी पेंशन स्कीम देख लो, तुसी शगुन स्कीम देख लो, तुसी आंगनवाड़ी आशा वर्कर दियाँ पगारा वगाइया देख लो, जिन्हें काम हो सकते सी करन दी कोशिश की है, पर जिहड़ा पंजाब नूं खड़े करन दा मॉडल है ना, उहदे वास्ते तुसी ये समझो कि घट तो घट 5 साल तुसी एक मॉडल बना के माफिया राज दे जेब जिहड़ा पैसा जा रहा उहनूं जो सरकार दी जेब च लैके आऊंगे, तो तुसी पंजाब दी हर मुश्किल देखो, हर मुश्किल आमदन दी मुश्किल है, सारी यूनियनां प्रोटेस्ट कर रही ने, वो की कहिंदी आमदन नहीं, आमदन नहीं है, इंप्लॉई कहिंदे ने सानूं पक्का करो, हर मुश्किल के पिछे यह है कि आमदन नहीं है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, दिल्ली वांगू थोड़ी है कि 70% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, ताइए असं कह लें कि दिल्ली वाला मॉडल लागू नहीं होना, पंजाब नूं पंजाबीयत नूं समझना पो, पंजाब दी मुश्किलां नूं समझना पो, तो उन्हों जब आप हल करांगे, जब आप निजी जेबां जा रहा पैसा, बादलों के कैप्टन के घर जा रहा पैसा, सरकार की जेबां लेके आवेंगे, केजरीवाल साहब तो माफ़ी मंगते फिरते हैं मजीठिया साहब तो, साड़ी लड़ाई बड़ी सीधी है, वो माफिया की जेब जा रहा पैसा सरकार की जेब लेके आना। देखो बदलाव सोचता है, तो यह जी कोई सोच नहीं है कोई जो नवी आई है, ये देश के संविधान की सोच है,
ये साड़ी आज़ादी की क्रांति की सोच है। कल मैं डोर टू डोर कर रहा सी अमृतसर शहर च, तो एक बंदे आए वो कहिंदे असी मैं सरदार भगत सिंह जी का ग्रैंड दूत हाँ, मैं थोड़ा ना इसलिए काम करना चाहना क्योंकि ये शहीदों का जिहड़ा पंजाब होना चाहिए सीगा, तुसी उसनू बनाने की गल कर रहे हो, उसते काम कर रहे हो, लोग जुड़ते हैं सोच नाल, पंजाब नू बदलन की सोच है, पंजाब विच कुछ विकास करन की सोच है। जिन्नी ताकत हो, कोई वड्डे लारे नहीं, कोई वादे नहीं, इत्थे भी नहीं करते, जिन्नी ताकत हो अज तक जिंदगी इमानदारी ना सच्चाई ना काम किया, मेहनत ना काम किया, अगे भी करांगे। तुसी ये समझो कि मेरी 31 साल की उम्र है, मैं पहला देश वास्ते खेलिया, जे मैं 40 देशों जाके भारत की नुमाइंदगी कर सकदा, जे मैं एक पॉलिसियां बना के नीतियां बना के एक माफिया राज के सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता, जे जितेगा पंजाब विच पंजाब मॉडल च अपना योगदान पा सकदा, सिद्धू साहब नाल रह के उन्होंने विजन नू ईमानदारी नाल काम करन दा काम कर सकदा, आ नवी सरकार जिहड़ी साडी आई है उस कोई भी अपनी नीति का तिलफुल पा सकदा या मैनीफेस्टो विच, ते मैं अपने हल्के वास्ते जिहदे कारण मैं सब कुछ किया, जिथे मेरे पिता ने 15 साल सेवा की, ये उन्हां दी करम भूमि है, उहदे वास्ते की मेहनत करांगा ते की कुछ नहीं कर सकदा। ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਿਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਮਿਤ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਹਮ ਉਮਰਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਧੀਰੋ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੰਮਸੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ CM ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੋਕ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜੱਸੀ ਮਨਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ।